स्वागतम। हम लोग में हर किसी को घूमना पसंद है, अपना जगह जीने के लिए सही, लेकिन घूमा घूमी की सवाल उठते ही अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने का ख्वाब भी साथ ही साथ चलती है। आज के वीडियो में ऐसा एक जगह के बारे में देखने वाले हैं जिसमें स्पिरिचुअलिटी है, मिस्ट्री है, हिस्ट्री है, साथ ही एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। ये जगह के बारे में जैसे ही जानने को मिला, बहुत मन किया कि ये खबर आप सबको बताऊं। रामायण के इतिहास सुने बिना कोई भी अपना बचपन पार नहीं किए होंगे। सीता देवी को लंका ले जाने के बाद श्री राम कैसे लंका तक पहुंचे, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सफ़र था। उस इतिहास की छोटी छोटी मेमोरेबल एविडेंस भरपूर है रामेश्वरम में। लिटरली हर एक जगह इन रामेश्वरम रामायण की हर एक नरेशन से जुड़ा हुआ है। लगभग 17 लाख ईयर्स पहले रामायण का संभव हुआ था और आज उसी की एक टूरिस्ट निशान हमारे पास है। तो जब भी एक लंबा सफ़र का प्लान बनाते हो, इंडिया की डेड एंड में सिचुएटेड हुए ये रामेश्वरम एक ज़बरदस्त रिकमेंडेशन है। चलो एक एक करके देखते हैं ऐसे क्या क्या जगहों हैं रामेश्वरम में और वो किस तरह रामायण से रिलेटेड है जो कि आज भी रामेश्वरम में देखने को मिलता है। सबसे पहले रामेश्वर मंदिर के बारे में देखेंगे। ये पुण्य स्थल की शिवलिंग को खुद श्री राम प्रतिष्ठित किए हैं और पूजा भी किए हैं अपनी ब्रह्मगति दोष से निर्दोष होने के लिए। इसीलिए ये जगह को कोई भी डिवोटी आके स्नान लेके शिवलिंग को पूजा करते हैं, उनकी सारा पाप इधर से खत्म हो जाती है। और एक बात कि चार दम में रामेश्वरम भी एक हिस्सा है। नेक्स्ट आता है अग्नि तीर्थम, जो कि रामेश्वरम में हमको देखने को मिलता है। रामेश्वरम मंदिर के बिल्कुल पास अग्नि तीर्थम देखने को मिलता है। ये जगह रामायण से कैसे जुड़ा हुआ, चलो देखते हैं। लंका से वापस आने के बाद सीता अग्नि प्रवेश करते हैं अपनी पवित्र को साबित करने के लिए। उस संभव के बाद अग्नि भगवान खुद ये अग्नि तीर्थम में स्नान लेके शिव जी को प्रार्थना किए हैं ताकि सीता को स्पर्श करके अग्नि भगवान को जो पाप छड़ा था उससे बचने के लिए अग्नि भगवान ये पानी से स्नान लेते हैं, इसीलिए ये पानी अग्नि तीर्थ स्थल माना जाता है। नेक्स्ट रामेश्वरम में देखने को मिलता है रामर ब्रिज। ये तो रामायण की एक बहुत ही खास हथियार है। वानर सेना की मदद से श्री राम समुंदर के ऊपर ब्रिज बना के उसी के दौरान लंका पहुँच के रावण को जीत के सीता को वापस ले आते हैं। ब्रिज बनी तो बनी, इसमें खास बात क्या है? खास बात ये है कि पानी के ऊपर फ्लोट होने वाला पत्थर से ये ब्रिज बनाया गया था और इस्तेमाल किया गया था। फिर हिस्ट्री की पेजेस से ये कहता है कि रावणन को मारने के बाद उनकी बाई विभीषण का बात मान के राम खुद ये ब्रिज को नाश कर दिए। पर फ्लोटिंग स्टोन्स जिसके थ्रू ये ब्रिज बनाया गया था, वो स्टोन्स आज भी फ्लोट होते हुए रामेश्वरम की अलग अलग जगहों पे नज़र आती है। रामर ब्रिज को फॉलो करके डेड एंड ऑफ इंडिया धनुषकोडी के बारे में देखने जा रहे हैं। शिवधनुष श्री राम की हथियार है, ये तो हम सब जानते हैं। उसी शिवधनुष का मदद से श्री राम ने धनुषकोडी से रामर ब्रिज को तोड़ के लंका और भारत को अलग किए थे। इसीलिए श्री राम की हथियार की नाम शिवधनुष से धनुषकोडी का जगह बनाया गया था। पाम्बन ब्रिज पूरी भारत को रामेश्वरम के साथ जुड़वाने को एक ही ब्रिज है। पाम्बन ब्रिज समुंदर के बीच में बड़ी शानदार से ठहरी हुई ये ब्रिज को क्रॉस करके ही हर कोई रामेश्वरम रीच हो सकते हैं। ये ब्रिज की स्पेशलिटी ये है कि ये ओपन टाइप ब्रिज है, यानी कि समुंदर के बीच में कोई भी बड़ा शिप क्रॉस करनी है तो ये ब्रिज ओपन होती है, यानी कि दो स्प्लिट्स होती है ताकि वो जो शिप बिना झिझक की क्रॉस कर पाए। एक बार क्रॉस कर देता है, उसके बाद ये ब्रिज अपने आप फिर से नॉर्मल पोजीशन लौट देता है। इसके बाद एक टेंपल है
जो कि बहुत खासियत है वो कि साक्षी हनुमान टेम्पल, जो रामायण की एक बहुत ही खास जगह है। हनुमान जब सीता देवी की तलाश में जाके वापस लौट आते हैं, श्री राम को एक जगह पे मिल के सीता देवी की ज्वल दे के सीता माँ की कब्र राम तक पहुँचाते हैं। वही जगह आज भी साक्षी हनुमान टेम्पल की नाम से रामेश्वरम में देखने को नजर आता है। जी, 17 लाख साल पहले सीता माँ को देख के जब हनुमान जी वापस लौट आए, वो हनुमान जी साक्षी हनुमान टेम्पल जहाँ लोकेटेड है उधर श्री राम को मिल के सीता माँ की कब्र दिए हैं। रामेश्वरम की और एक खास जगह है गंधमदन पर्वतम। इसी जगह को राम फूट करके भी बुलाया जाता है। ये जगह रामायण में ऐसे जुड़ा हुआ है कि जब रावण सीता को लंका की तरफ पुष्पक विमान से ले जा रहे थे, माँ सीता अपने ज्वेल्स को नीचे फेंकते हुए आए थे ताकि राम और लक्ष्मण जब उनकी तलाश में आएंगे उनको ये क्लू ज़रूर मिलेगा करके। वो ज्वेल्स को राम इधर ही उठाए थे, तो ये जगह राम फूट करके बुलाया जाता है। इधर जाइंट फूट प्रिंट ऑफ श्री राम भी नज़र आता है। तो आ गया वीडियो की एंड। रामेश्वरम लिटरली एक म्यूज़ियम बोल सकते हैं, जगह महाकाव्य रामायण का निशान आज भी नेचुरली प्रिजर्व्ड है कोई भी आके उधर दर्शन करने के लिए। तो हाँ, इधर से हमारा वीडियो ख़त्म होता है। तो ये जगहों के बारे में जान के आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।